हंसो, मेरे मेथड्स पे हंसो। एक दिन इन्हीं मेथड से मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, फिर मैं हंसूंगा एंड तुम रोओगे। आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के रियलिटी के बारे में, कैसे एक एस्पिरेंट का लाइफ तबाह हो जाता है। तो आज की डेट में सरकारी नौकरी कई लोगों के लिए उनके पेरेंट्स के सपने को पूरा करना है, और कई के लिए ये पैसा, पावर या सोसाइटी में चेंज लाने का एक टूल है, या कहे तो ये एक एडिक्शन बन चुका है एक सोशल स्टेटस और सिक्योर लाइफ जीने का। और हो भी क्यों ना, जहाँ बचपन से ही एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब्स के सपने दिखाए जाते हैं। अरे भाई, इकलौती लड़की है, किसी भी आरे गहरे से थोड़ी ब्याह देंगे। बेटा आप बताइए, आप करते क्या हैं? मेरा एप्पल का शोरूम है। दुकान चलाते हो? भाई एप्पल का बिजनेस तो हमारे साले ने भी डाला था, फिर वो हिमाचल में एक साल ओले पड़ गए, पूरी फसल बर्बाद हो गई, सड़क पे आ गया। ये बिजनेस में कोई भरोसा नहीं है। समोसा नीचे रखिए और जाइए। प्राइवेट जॉब्स को छोड़िए, एंटरप्रेनर्स या आपकी खुशी या आप क्या चाहते हो इसका तो कोई बात ही नहीं करता, बस बात होती है तो गवर्नमेंट जॉब्स की। अरे भाई करते क्या हो? जी प्यून हूँ। अबे प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटी बच्ची हो क्या? सरकारी प्यून हूँ। नाना जी, इतने दिन से कहाँ थे आप? अब इसे एक डर कहे या सपना, जिसके कारण एक गरीब या मिडिल क्लास घर का एक बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करते ही अपनी आराम की जिंदगी को त्याग कर किताबों और सपनों का भार लिए घर से दूर कहीं रेंट लेके अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपना जी जान लगा देता है, जहां सुबह द हिंदू, उसके बाद कोचिंग और कोचिंग से रूम, फिर रिविजन, इन सब के बीच वो अपने खाने पीने तक का ध्यान नहीं रख पाता, ना ही ठीक से सोने का। एक एस्पिरेंट कम से कम 6 साल तक यह करने का कमिटमेंट कर देता है, जब तक एग्जाम्स क्लियर नहीं हो जाए या अटेम्प्ट्स खत्म ना हो जाए। कोचिंग से, पेरेंट्स से और समाज से एक एस्पिरेंट को तैयारी से लेके आईपीएस, आईएएस बनने तक का सपना दिखाया जाता है, लेकिन एग्जाम्स के बाद फेलियर का तो कोई बात ही नहीं करता। कोई नहीं बताता कि अगर लास्ट अटेम्प्ट के बाद भी सक्सेस ना मिले तो एक एस्पिरेंट कहाँ जाए या क्या करे। आपको एक ऐसे ही सच दिखाने वाला हूँ जो शायद आपको यह पूरा प्रोसेस या एग्जाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर हम बात करें यूपीएससी एग्जाम की, तो हर साल लगभग 11 लाख एस्पिरेंट्स अपने सपने को लेकर एग्जाम देने बैठते हैं, और इसमें सिर्फ 10,000 बच्चे ही मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से फाइनली सिर्फ 1,000 सीट्स की ही वैकेंसी होती है, और आईएएस बनते हैं सिर्फ 180। जो लोग आईएएस बन जाते हैं उनका फोटो हर न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पेजेस, वेबसाइट पर होती है, लोग सेलिब्रेशन के साथ उनका वेलकम करते हैं, लेकिन कोई भी उन 99% बच्चों के बारे में बात ही नहीं करता जो कि अपने 100% देने के बाद भी फेल हो गए। यह एग्जाम कितने ही यंग स्टूडेंट्स का सालों खा जाती हैं और कितनों की जवानी, और इसके बाद बच्चों के साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता। 5 जून 2022 को नागपुर के रहने वाले 28 साल के एक एस्पिरेंट बेलसन पुडुचाको ने अपनी जान दे दी, क्योंकि 2 साल दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी वो एग्जाम क्लियर करने में असफल रहे। ऐसे ही नोएडा के एक एस्पिरेंट जो कि एक फॉर्मर बैंक एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी हाई राइज बिल्डिंग के 26th फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। अकॉर्डिंग टू पुलिस, ये 31-year-old एस्पिरेंट फेल हो गए थे यूपीएससी क्लियर करने में 2 अटेम्प्ट्स के बाद भी, और ये डिप्रेशन में चले गए थे, और न जाने इसी तरह कितने सारे एस्पिरेंट ने अपनी जान गंवाई होगी बस एक एग्जाम के कारण। और जब मीडिया वालों ने यूपीएससी टॉपर ओमकार मधुकर पवार से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या मजबूरी होता है एक एस्पिरेंट का, तो उन्होंने बताया कि उनका खुद का सपना पूरा हुआ 6 अटेम्प्ट के बाद, और उनके अनुसार ज्यादातर एस्पिरेंट्स का कोई एग्जिट प्लान ही नहीं होता। अगर वो फेल हो गए तो वो लाइफ में क्या करियर चूज करेंगे उन्हें इनका कोई आइडिया नहीं होता। उनके कहने के अनुसार आपको फेल होने के बाद भी एक पॉलिसी तैयार रखनी चाहिए, फिर वो MBA करने का हो या स्टार्टअप करने का, प्लान भी आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर वहीं बात करें एक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन की, तो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के कुछ बेहतरीन साल खो देता है एग्जाम्स की तैयारी करते करते। यही नहीं, बल्कि एक एस्पिरेंट्स का सोशल इंटरेक्शन भी डेड हो जाता है, और कई बार फ्रेंड्स से भी दूरी हो जाती है, एंड इज नॉट वर्थ 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना और कोई सोशल लाइफ ना होना, और वो भी एक ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें 99% चांसेस तो सिर्फ फेलियर के हैं।
तो ये वर्थ इट नहीं है। बल्कि आप ट्राई करो कि आपका एक सॉलिड बैकअप प्लान भी हो। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक गवर्नमेंट जॉब के सराउंडिंग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक एग्जाम से बहुत ज्यादा बड़ी और वैल्यूएबल है। और अगर वही बात करें कोचिंग सेंटर्स की, तो हर कोचिंग सेंटर ये क्लेम करती है कि सक्सेसफुली सिविल सर्विसेज क्रैक करने वाले बच्चे उनके सेंटर्स से हैं, और वो उन सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स का नाम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन का साथ जोड़ लेते हैं, जबकि उन एस्पिरेंट्स को खुद ही नहीं पता कि वो कभी गए भी थे या नहीं। और इसी को गुडविल बेस बना के वो अपनी कोर्सेज को हाई प्राइजेस में न जाने कितने स्टूडेंट्स को सेल करती है। संदीप, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती है। हेल्प तो मिलती के बताऊं, आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की कोचिंग के बारे में सोचूं। और ऐसे ही इनका डर्टी गेम चलता रहता है। आज के टाइम में एक गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जहां आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी लाइफ को एक गवर्नमेंट जॉब तक ही सीमित ना करें। और अगर आप चाहते हो तो याद रखें कि आपका प्लान भी हमेशा तैयार होना चाहिए।